हेलो फ्रेंड्स, मुमताज़ क्रिएशंस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक करेले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही यूनिक रेसिपी है और अलग तरीके से मैंने इसको बनाया है और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते और बड़े तो क्या बच्चे भी चटकारे ले लेके इसको खाते हैं, ये इतने टेस्टी लगते हैं। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है और करेले तो हम किसी भी रूप में खाएँ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जब तक करेला कड़वा ना हो जब तक करेले का टेस्ट भी नहीं आता, लेकिन आज हम इस तरह बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते और इसको पूड़ी और पराठे रोटी किसी से भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं और इनका बनाना बहुत ही आसान है और हम इस तरह बनाएंगे कि इनको फ्रिज में रख के हम 7 से 8 दिन तक आराम से खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फिर आज की रेसिपी देख लेते हैं। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमारे पास 1 किलो करेले हैं, हम इसमें से छोटे छोटे करेले ये छांट लेंगे और हमें ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं चाहिए तो हम इनके इस तरह ले लेंगे। तो मैंने इनको धो के और सुखा लिया है तो हमें ये छोटे छोटे करेले चाहिए जो बिल्कुल अंदर से कच्चे हैं। जब भी आप ख़रीदें तो इस तरह के करेले लें, इससे बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है और ये बिल्कुल ताज़े हैं तो इसका छिलका भी हम प्रयोग में लेंगे। तो मैं इनको छील लेती हूँ। तो एक बार इस तरह करेले बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने 1/2 किलो करेले छांट लिए हैं, मैं ऊपर के इसकी टोपी को हटाएंगे और नीचे से भी काट देते हैं और इसको हल्का हल्का छील लेते हैं इसके छिलके को, इसको भी हम काम में लेंगे। तो मैं इस तरह छील लेती हूँ, आप पिलर से भी छील सकते हैं इसको और एक बीच में चीरा लगाएंगे और इसमें देख लेंगे कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं, और बीज हों तो वो निकाल दें, लेकिन हमारे करेले बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो मैं इस तरह सारे करेले छील लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं करेले बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो इस तरह की हम करेले लेते हैं तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। करेले के बीच में जब बीजे कड़क कड़क होते हैं तो मुंह में आते हैं, अच्छे नहीं लगते। अगर कड़क हों बीजे तो उसको निकाल दें, उसके बाद ही बनाएं। तो हमारे करेले बिल्कुल सॉफ्ट हैं तो इस तरह से हमें इनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने सभी करेलों को छील लिया है, आप चाहो तो इनको धो सकते हैं, लेकिन धोने से गीले हो जाएंगे तो सूखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इनको इसी तरह फ्राई करेंगे। ये हमारे ऊपर के छोलन में ही कड़वापन होता है तो इसको भी हम प्रयोग में लेंगे। तो हमें कैरी भी चाहिए तो इसमें हम 1/2 कैरी डालेंगे, तो इसको कद्दूकस कर लेते हैं। चलिए अब गैस की ओर चलते हैं और इसमें एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सब्ज़ी किसी भी तेल में बना सकते हैं लेकिन सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसमें 1 चम्मच में सरसों का ऑयल डाल देती हूँ, उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब जब तक तेल गर्म हो रहा है हम अपने करेले देख लेते हैं। तो इसके बीच में हम थोड़ा थोड़ा नमक लगाएंगे जिससे कि अंदर कड़वापन निकल जाएगा, कड़वे नहीं रहते इससे और अच्छे से ये गल भी जाएंगे और अंदर से फीके फीके भी नहीं लगेंगे। इसको नमक लगा के हम धो भी सकते हैं लेकिन आज हम धोएंगे नहीं, सीधे बनाएंगे हम। तो हमारा ऑयल भी हो चुका है, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो हम सभी करेले को एक साथ डाल देंगे और इनको लटपट करते हुए अच्छे से इनको सेक लेते हैं। बहुत से लोग इसको उबालते भी हैं लेकिन आज हम पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको फ्राई किया है और इस तरह हम बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपका करेला बड़ा है तो इसके 2 टुकड़े भी कर सकते हैं और इस तरह भर के बना सकते हैं। तो हमारे करेले छोटे छोटे हैं इसलिए हमने बड़े करेलों का प्रयोग नहीं किया है। तो यदि आपके पास बड़े करेले हैं तो अभी इस तरह बना सकते हैं। तो उलट पलट करते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसकी स्किन को ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, इसी तरह हमें ग्रीन ग्रीन रखना, हमें बस इतने ही फ्राई करने और इनको तेल को झड़ाते हुए सभी करेलों को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें मसाले डाल देते हैं, तो 1 चम्मच हम सौंफ डालेंगे, इन सब्जियों में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें 1/2 चम्मच दाना मेथी डालेंगे, इसको अच्छे से तड़का लेते हैं। तो मैंने इसमें 2 से 3 प्याज बड़े साइज़ के ले लिए और इनको कद्दूकस कर लिया है। तो हम इसका रस निचोड़ते हुए इसमें डालेंगे, इस रस को फेंकना नहीं, हमें इसमें मसाले गलाएंगे। इस तरह प्याज डालने से प्याज जल्दी भुन जाता है। सभी प्याज को हमने इसमें निचोड़ते हुए डाल दिया और इतना सारा रस बच गया। अब इसी के साथ 1 टुकड़ा अदरक का, इसको हमने कद्दूकस कर लिया, इसको भी डाल देते हैं। 2 से 3 हरी मिर्ची हैं, इनको बारीक काट लिया, इनको भी डाल देते हैं। अब इसी के साथ 8 से 10 कली लहसुन के ले लिए, मैंने बारीक काट लिया, इसको भी डाल देते हैं और इनको अच्छे से भून लेते हैं। इस तरह हम सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सभी को हम एक बार मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। हम इनको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इसका कलर चेंज होना चाहिए प्याज का, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, इसको अच्छे से इसी के साथ भून लेते हैं। तो मसाले डाल देते हैं, तो जो प्याज का रस निकला था उसी को ले लेते हैं और इसमें हम ये नमक डालेंगे, नमक हम पहले भी डाल चुके थे इसलिए हमें कम डालना। 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे,
और 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। इनको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और इसी में गलाएंगे हम, घोल लेते हैं। अब इसको एक साइड में कर देते हैं और हम प्याज को भी देख लेते हैं। प्याज अच्छे से भुन गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसी में हम ये मसाले गलाए थे इसमें डाल देते हैं। इसी में हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसको डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है, तो करेले हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते और ये बहुत दिन तक ख़राब भी नहीं होते। तो हमने आधी कैरी को कद्दूकस कर लिया है, वो भी डाल देते हैं इसमें। अगर कैरी ना हो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, इसको डाल के भून लें। अब हम छोलन को भी देख लेते हैं। इसको नमक लगा के निचोड़ सकते हैं लेकिन हमने इसको ऐसे ही निचोड़ेंगे तो इसमें से जो रस निकलेगा इसको हम हटा देंगे और इसे निचोड़ते हुए इसमें मिला देंगे। तो इसके रस में ही गड़बड़ होती है, तो हमने इसका रस सारा निकाल दिया है। तो सभी को अच्छे से निचोड़ते हुए हमने इसमें मसाले मिक्स कर दिया और इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए कितना सारा पानी निकला है इसमें, तो इसको हम जिसको शुगर हो उसको पिला भी सकते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो इसको हम अभी फ़िलहाल हटा देते हैं और इनको मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। मसाला हमारा कितना अच्छा लग रहा है और देखने में भी बहुत सुंदर है, खाने में भी टेस्टी है। अभी इसमें और भी चीज़ ऐड करेंगे तो पूरा वीडियो देखते रहें। करेले की यूनिक रेसिपी है, तो बीच में हम थोड़ी सी जगह करेंगे और उसमें 1.5 चम्मच बेसन डाल देंगे। या तो आप पहले से भून के रखें तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो हम बीच में थोड़ा सा जगह बना के इसमें भी भून सकते हैं। तो मैं इस तरह ये डाल देती हूँ। अब इसमें 1 चम्मच हम शक्कर डालेंगे, इससे बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे करेले और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है खट्टा मीठा। तो बेसन को और शक्कर को मिक्स कर देंगे और इनको अच्छे से मसाले में भून लेते हैं। बेसन से कड़वे भी नहीं लगते करेले और इसमें बाइंडिंग बनी रहती है मसाले में, तो ये निकलता भी नहीं और करेले को हमें बांधने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम धागे से बांधें हम इसी तरह बनाएंगे, इसलिए हमने बेसन इसमें थोड़ा सा मिलाया है। फ्रेंड्स, मसाला देखने से ही पता लग रहा होगा कि हमारा मसाला कितना डिलीशियस है और करेले ही बहुत टेस्टी बनेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम लेट से कवर कर देंगे जिससे बेसन अच्छे से फूल जाएगा, मसाला भी मिक्सअप हो जाएगा। और इस समय हम चाख लें इसको, मसाला कम ज़्यादा हो नमक मिर्ची तो हम बढ़ा भी सकते हैं। मसाले को खोल लेते हैं और इसको मिक्सअप कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा दबाते हुए इसको सेक लेंगे। ये अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो एक नीचे लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए। तो इस तरह मैंने सारे मसाले को निकाल लिया। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं और हम अपने करेले लेंगे और उसमें दबा दबा के इनको भर देते हैं मसाले। अब एक करेला उठाएंगे और इसमें 1 चम्मच हम ये मसाला भरेंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे। ऐसी में सारे करेले भर लेती हूँ। ये करेले बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे स्किन को भी ग्लो करते हैं और हमारे शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। करेले से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा रहता है, इससे पाचन अच्छे से हो जाता है, तो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं इस तरह सारे करेलों को भर लेती हूँ और ये हमारा मसाला बच गया है, इसको हम ऊपर से डालेंगे। चलिए दोबारा से गैस की ओर चलते हैं। उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो इन करेलों का सेकने का तरीका भी अलग है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको तड़का लेते हैं और जो हमने मसाला भरा था करेलों में एक एक करके इसमें छोड़ते जाएंगे। मसाले को हम ऊपर रखेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो मसाले की तरफ को हमें ऊपर रखना है, ये नीचे मसाला जल जाएगा। तो सभी करेले को मैं सेट कर देती हूँ कढ़ाई में और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। तो हमारे करेले पहले से ही गले हुए हैं तो इनको थोड़ा सा और भूनना है। अब लिड ले लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं जिससे कि अच्छे से हमारा बेसन भी फूल जाएगा और एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। तो एक साइड से सिक गए हैं तो इनको अलट पलट कर देते हैं, तो पलटी मार देते हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो रखेंगे। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बने। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, तब इनको हम कुरकुरा करेंगे। चलिए जो मसाला बचा था अब उसको भी इसमें डाल देते हैं। तो ये मसाला करेले के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम फैला देंगे जिससे कि मसाला जलेगा नहीं, इस तरह से फैलाएंगे। तो अब इसको ढक देते हैं। तो एक प्लेट ले लेंगे और इससे कवर करेंगे। इसको कुरकुरा करने का तरीका अलग है। तरह करेले बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, वो कुरकुरे हो जाते हैं तो बच्चे भी झटका करेले लेके खाते हैं। प्लेट को अच्छे से दबाते हुए और इस पर थोड़ा सा वजन रखेंगे। तो मैंने ये मामदस्ता रख दिया और इससे हमारे करेले जो हैं कुरकुरे हो जाएंगे, अच्छे से सिक जाएंगे।
अब प्लेट को उठाएंगे और इनको देख लेते हैं, एक बार और पलटी मारेंगे तो करेले दोनों साइड से अच्छे से भुन जाएंगे। तो मैं सभी करेलों को पलट देती हूँ और देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भी नहीं निकला, जो कि तो ही भरा हुआ है। इसको ढक्कन से नहीं ढकेंगे क्योंकि उसमें भाप बन जाएगी और पानी हो जाएगा। दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं, तो वापस से वही प्लेट लेंगे और इस पर थोड़ा सा दबाएंगे और इस पर वजन रख देते हैं। तो दूसरी साइड से भी हम अच्छे से इनको कुरकुरा सेक लेंगे। हम वापस से प्लेट उठाएंगे और देख लेंगे कि अच्छे से सेके कि नहीं, करेले हमारे कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक गए हैं, इनको पलट लेते हैं। इसी तरह हम इनको दो तीन बार कुरकुरा कर लेंगे। मैं इस तरह जब करेले बनाती हूँ तो मुझे मम्मी की याद आ जाती है। मेरी माँ बहुत अच्छी तरह बनाती थी इनको और चूल्हे पे बनाती थी। जब हम कभी सफ़र में जाते थे तो इस तरह बना कर रखती थी, तो बच्चे भी चटकारे ले लेके खाते थे। पूड़ी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते थे। पलट पलट करते हुए हमने इनको अच्छे से कुरकुरा कर लिया। अब ऊपर से हम धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो मैं आपको ये करेला उठा के बताती हूँ ये कितने टेस्टी हैं। तो आप भी इस तरह एक बार ज़रूर से ट्राई करें। जिनको करेले पसंद ना हो तो वो भी इस तरह करेलों को चटकारे ले लेके खाएंगे। चलिए सर्व कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कैसे बने। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर ऐसी यूनिक रेसिपी में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मैंने पुदीने की मीठी चटनी और दाल पालक के साथ इसको सर्व किया है।